आवाज़ थोड़ी मतलब लो हो रखी है एंड मेरे को मतलब थोड़ा लो भी फील हो रहा है। एक्चुअली मेरी नाइट शिफ्ट थी, नाइट शिफ्ट से मैं अभी आई हूँ एंड अभी बज रहे हैं 7:30। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है सोनी एंड मैं रहती हूँ जर्मनी में एंड मैं बनाती हूँ बहुत सारी वीडियोस रिलेटेड टू जर्मनी एंड ट्रैवल विद इन यूरोप। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो भी नर्सेस मुझे देख रही हैं किसी भी कंट्री से। वीडियो का आज का टॉपिक है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं जब भी आप नर्सिंग जॉब अप्लाई करते हो जर्मनी के लिए। तो क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ टू बिकम अ नर्स इन जर्मनी एंड उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो मैंने सोचा क्यों ना और एक वीडियो क्रिएट की जाए जो कि इन्फॉर्मेटिव हो, यूज़फुल हो आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैंने एक्चुअली नोट्स बना लिए हैं बिकॉज मे बी मैं कुछ चीज़ भूल ना जाऊँ, तो मैंने नोट्स बना लिए सबसे पहले। तो मैं आपको बीच बीच में से इसमें देखती भी रहूँगी और आपको बताती रहूँगी। तो ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर आपको सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप जर्मनी आना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप स्टार्ट कर दो जर्मन लैंग्वेज सीखना। सबसे मेन चीज़ मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा जॉब ऐसा है कि हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है लोगों के साथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो अगर आप लैंग्वेज भी सीख रहे हो बट साइड बाई साइड आप अपना प्रोसेस भी स्टार्ट कर दो, बिकॉज प्रोसेस स्टार्ट करना भी इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लैंग्वेज सीखना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सीख के बैठ गए हो लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल कि आपने 6 months लिए, आपने लैंग्वेज सीख लिया, आपने रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर ली एंड प्रोसेस आप उसके बाद शुरू करो तो आपका 6 महीने ऑलरेडी डिले हो जाएगा प्रोसेस। तो उससे बेटर है कि आप लैंग्वेज जब स्टार्ट कर लो ना, एक्चुअली कम से कम अगर आप A1 सीख लो, मतलब A1 अगर आप सीख जाते हो और पास कर लेते हो तो उसके बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद आप प्रोसेस स्टार्ट कर दो, ज़्यादा वेट मत करो वरना आपको उतना टाइम वेस्ट होगा। तो ये मतलब एडवाइस मैं आपको देना चाहती थी। तो अगर आप खुद भी आप रिक्वायरमेंट देखना चाहते हो तो आप ऑफिशियल इसका जो जर्मन की जो एम्बेसी होती है, जर्मनी एम्बेसी जितनी भी है मतलब हर सिटीज़ में इंडिया में, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो उनकी जो वेबसाइट होती है तो आप उस पर चेक कर सकते हो। तो उसका नाम है india.diplo.de, ठीक है, मैं स्क्रीन पर भी डाल दूँगी तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो जो ये वीज़ा आता है, ये आता है शेंगन वीज़ा होता है ये, एंड जर्मन नेशनल वीज़ा के अंदर इसकी कैटेगरी होती है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर ही आता है। मैं स्क्रीन पे सारा डाल दूँगी तो आप देख लेना। तो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, बट ये है कि मतलब आपको फिर भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपको अरेंज करने पड़ेंगे। तो बेस्ट है कि आपने लैंग्वेज भी सीखते रहो और अपना डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार रखो ताकि आपकी लैंग्वेज जैसे ही फिनिश हुए तुरंत वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको उनकी फोटोकॉपी चाहिए होगी, दो सेट बनाने होते हैं। मतलब सबसे पहला है वैलिड पासपोर्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो सबसे पहले आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो एंड पासपोर्ट आपका कम से कम उसकी 10 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर नहीं भी है मतलब एटलीस्ट उसका मतलब फॉर एग्जांपल उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्सपायर्ड वीज़ा है, ठीक है। तो नंबर वन है कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो एंड काफ़ी इजी होता है पासपोर्ट अप्लाई करना आजकल, तो उसमें भी ऑनलाइन उसको अप्लाई करना होता है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है, जाओ 1-2 दिन का काम होता है आराम से, फिर वो घर पर ही आ जाता है, मतलब इतना कोई वैसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। फिर दूसरा है इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, मतलब जहाँ पे आप वेबसाइट पे जाओगे ना जो भी ये स्टेप लिखे होंगे तो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो खुल जाएंगे डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म होता है तो आपको ना उसको फिल करना होता है। उसमें क्या होता है कि नॉर्मल डिटेल्स होती हैं आपकी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो बेसिक डिटेल्स होती हैं तो वो भरना होता है, ठीक है। उसके बाद होता है एक डिक्लेरेशन फॉर्म, वो भी नॉर्मल सा फॉर्म होता है, उसको भी आपको भर के मतलब साइन वाइन करना होता है। फोर्थ डॉक्यूमेंट उसका नाम है एनेक्सियर, उसमें क्या होता है जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा ना, मतलब फॉर एग्जांपल आपने जॉब भी अप्लाई कर दी और जॉब से जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स या जो भी पेपर्स आते हैं जॉब के एम्प्लॉयमेंट के, तो उसकी डिटेल्स होती है वो, जैसे एम्प्लॉयर का एड्रेस, ठीक है, आप कहाँ रहोगे, कहाँ पे आपका हॉस्पिटल है फॉर एग्जांपल, तो वो डिटेल्स होती हैं इसमें। फॉर्म होता है आप क्लिक करके देख सकते हो, पूरा फॉर्म खुल जाएगा तो आप उसमें देख सकते हो क्या क्या आपको भरना है। एंड फिफ्थ डॉक्यूमेंट है, इसका नाम है एरक्लेरुंग सुम बिजेस्टिगुंग्स फिर हेल्थनेस। तो ये क्या होता है एक्चुअली जब आपका ना कॉन्ट्रैक्ट आएगा जो जॉब का,
ठीक है, मतलब जॉब के जो भी पेपर्स आएंगे तो उसके साथ जो एम्प्लॉयर होता है, मतलब जर्मनी से जो भी एम्प्लॉयर आपको भेजेगा तो उसके साथ ये पेपर खुद ब खुद वो भेजते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये वीज़ा में मतलब लगेंगे ये वाले, तो ये खुद आएगा, आपको इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। सिक्स्थ है प्रूफ ऑफ फॉरेन वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब जो भी आपने ट्रेनिंग कर रखी है, चाहे आपने GNM कर रखी है, BSc कर रखी है, MSc कर रखी है, तो वो आपको मतलब उसके सर्टिफिकेट शो करना है, मतलब जो भी नर्सिंग आपने जो पास आउट किया किसी कॉलेज से तो वो आपको शो करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा डेफिसिट बिसाइड, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, जो रिकॉग्निशन होता है, जो पार्शल रिकॉग्निशन होता है, तो वो आपको चाहिए। तो फिर नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन फॉर अ लैंग्वेज कोर्स। तो जब आप क्या करोगे, जैसे आपने पहले तो लैंग्वेज सीख ली जर्मनी, मतलब इंडिया से, सॉरी, तो आप क्या करोगे, पहले तो आपने लैंग्वेज सीख ली इंडिया से, तो उसका आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा। बट क्या होता है कि बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, आप जर्मनी आते हो तो आपको थोड़ी और लैंग्वेज या मेडिकल टर्म्स आपको पढ़नी पड़ती है, बिकॉज आपको इंग्लिश में पता है वो सब चीज़ें। आप अगर जनरल किसी कोचिंग में सीखोगे तो वो जनरल आपको सिखाएंगे कम्युनिकेशन, और मेडिकल टर्म्स नहीं सिखाएंगे, तो यहाँ आप आके आपको वो भी सीखनी पड़ती है। तो अगर आप वो सीखोगे तो उसके लिए ये लोग कोर्स करवाते हैं, 1 महीना 2 महीने, डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे, या 2 वीक्स 3 वीक्स ऐसे होते हैं। तो उसका भी ना ये आपको मतलब एक लाइक क्या बोलूँ, एक डॉक्यूमेंट टाइप का वो दे देते हैं, लाइक एक रिसिप्ट टाइप के दे देते हैं, या एक लिख के दे देते हैं कि हाँ इतने से इतने तक कोर्स होगा, यहाँ पे पढ़ोगे आप, और मतलब क्या क्या होगा, तो उसका भी प्रूफ चाहिए। फिर है 9th नंबर, प्रूफ ऑफ प्रीवियस प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो इसमें अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप शो कर सकते हो, अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, मतलब फ्रेशर को भी जॉब मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर आप फ्रेशर हो तो भी चल जाएगा, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो और भी बढ़िया है, मतलब ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो हर जगह काम आता है। फिर उसके बाद है 10th, रिकॉग्नाइज प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ द जर्मन लैंग्वेज। तो आप देख लो, मतलब जर्मन लैंग्वेज के बिना तो होगा नहीं, तो जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी शो करना है। तो इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, वैसे जो भी आते हैं इंडिया से जर्मनी लोग, या कहीं से भी लोग आते हैं टू जर्मनी, तो उनको A2 चाहिए होता है, बट इसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है फॉर नर्सिंग B1 ऐसे लिखा हुआ है। बट डिपेंड करता है, कई बार हॉस्पिटल्स पे भी डिपेंड करता है, वीज़ा तो आपको मिल जाएगा बट हॉस्पिटल आपको एनरोल नहीं करेगा, तो हॉस्पिटल्स की भी कभी कभी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उनकी B2 रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप B2 तक लैंग्वेज सीखो एटलीस्ट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे भी, एंड आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा, बिकॉज B1 से ऊपर B2 है, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने भी किया था तो मैंने B2 तक ही किया था पर्सनली, एंड उसके बाद मैं आई थी जर्मनी। देन है 11th नंबर, अप्रूवल बाय द फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, ZAVS का नाम। तो एक एजेंसी होती है जर्मनी में, जो आप कुछ भी, कोई भी एम्प्लॉयर किसी को भी एम्प्लॉय करे, किसी को भी हायर करे, किसी कैंडिडेट को भी, तो जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके थ्रू वो अप्रूव होता है कि हाँ मतलब ठीक है, इस एम्प्लॉयर ने, ए एम्प्लॉयर ने मतलब बी कैंडिडेट को अगर जॉब दे दी, बट वो तब तक वैलिड नहीं है जब तक वो जो एजेंसी होती है वो उसको अप्रूव नहीं करती है। तो इसीलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर एक स्टोरी है मेरी, बिकॉज मेरे को इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे पता नहीं था, एंड मेरा जो था, पहले मैंने जब वीज़ा अप्लाई किया था तो मेरा एक बार वीज़ा रिजेक्ट भी हो गया था इसकी वजह से। तो चलो मैं कभी बाद में आपके साथ ये शेयर करूँगी स्टोरी, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं वीडियो को लंबी नहीं बनाना चाहती, मैं बहुत टायर्ड हूँ आज। फिर 12th नंबर पे है 3 पासपोर्ट पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू बायोमेट्रिक स्पेसिफिकेशन नॉट ओल्डर देन 6 मंथ्स। तो अगर आप इस पर भी क्लिक करोगे, मतलब वेबसाइट पे जाके, तो आपको वो सारी बायोमेट्रिक स्पेसिफिकेशन दिखा देगा कि आपको कैसे फ़ोटो खींचनी है, क्या करना है, एंड खैर उसको आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप कहीं पे भी फ़ोटोशॉप पे जाते हो, मतलब इंडिया में, तो उनको पता होता है जो बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ बनाते हैं। तो अगर आप किसी भी कंट्री का नाम लोगे कि हाँ मुझे जर्मनी के लिए बनानी है, वैसे ऑलमोस्ट सारी फॉरेन कंट्रीज़ का सेम ही होता है जो स्पेसिफिकेशन होता है, बट वो आपका बना देंगे, उनको पता रहता है, एंड आप उसका प्रूफ भी लेके जा सकते हो, मतलब अगर आपको डाउट है कुछ है तो वो आप देख लेना अकॉर्डिंगली। देन लास्ट डॉक्यूमेंट है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। तो आप अगर जर्मनी आते हो तो जर्मनी में एक्चुअली क्या है कि हर महीने आपको हेल्थ इंश्योरेंस एक तो होता ही आपके पास, जो हर महीने आप पे करते हो, तो वो तो खैर बाद में बात आती है जब आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, तो वो तो खैर आपका हॉस्पिटल, अगर आप काम करते हो हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वाले ही आपका मतलब अप्लाई करवा देंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको हॉस्पिटल की तरफ से ही वो मिल जाता है, बट आपको उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको इंडिया से मतलब अप्लाई करना पड़ेगा जब आपके पास
मतलब आप वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह अरेंज कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो वैलिड होता है लगभग, जो मैंने लिया था वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है। तो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी काफ़ी कंपनीज होती हैं, तो उसमें भी जो वेबसाइट है जर्मन एम्बेसी की, तो वहाँ पर ही उन्होंने, मैंने वहाँ पर देखा था कि कोई एक लिस्ट थी, तो उसमें थी कुछ मतलब लिस्टेड कंपनीज, आप उसमें से इंश्योरेंस मतलब बनवा सकते हो, तो वो वैलिड होता है। तो ये भी मतलब इजी है बनाना, ये भी अगर आप एक बार आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आ गए तो ये भी मतलब आप कर सकते हो, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको। गाइस यही थे सारे डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड हैं मतलब जर्मनी में अप्लाई करने के लिए, जॉब के लिए, एज अ नर्स बनने के लिए। ये वीडियो यहीं तक थी एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड यूज़फुल लगी हो। तो अगर आपको लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको प्रोसेस में कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगी, तो आप ईमेल मुझे कर सकते हो, या तो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगी, तो वहाँ पे भी जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करती हूँ, इन्फॉर्मेशन देती हूँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में जर्मनी से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर फॉलो करके एंड DM में भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड आई एम प्लानिंग टू मेक अ Q&A वीडियो आफ्टर दिस वीडियो, और मतलब जब भी मेरे को टाइम मिलेगा एंड जब भी मेरे पास मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि Q&A वीडियो मैं बनाऊँ, मतलब नर्सिंग से रिलेटेड या जो भी आप पूछना चाहो मेरी पर्सनल लाइफ या जर्मनी से रिलेटेड। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो कमेंट्स में। गाइज आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को इजीली रीच आउट कर सकते हो ईमेल के थ्रू या DM के थ्रू। मैं ये वीडियो फिर यहीं पे ख़त्म करती हूँ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।